ये नहीं कह सकते ना सर, नहीं नहीं आपके इस चीज से अग्री मैं नहीं करती हूँ सर। ये अवार्ड उनका है, उनकी वजह से देश का जो सीना है वो फक्र से चौड़ा हुआ है, गर्वान्वित महसूस कराया है इन्होंने हमें। जब ये ओलंपिक से मेडल लेकर के लौटते हैं दिल खोल के इनका स्वागत होता है। नहीं नहीं नहीं, अरे स्वागत होता है, आप वर्ल्ड इनकी मेहनत का नतीजा है कि हम वहां तक पहुंचे, हमारा देश पहुंचा। अरे बिल्कुल, अरे मैम तो उनको कौन अपने माथे से नीचे रख रहा है, कौन उनका गरिमा खंडित कर रहा है? 6 बार का वो भी सांसद आदमी है, किसी अच्छा आप बताइए, अब 2 मिनट और सुन लीजिए, किसी के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगा हो, पास्को का हो, और उसको लाखों लोग उसके पीछे खड़े हो रहे हैं, तो जरूर उसका कोई छवि रहा होगा ना। माननीय सांसद बृजभूषण सिंह पे दुनिया के आप सारे आरोप लगा दीजिए, कोई मान लेता? दुराचार का आरोप मतलब सूरज पे थूकने की तरह, कंकड़ मारने के समान है, कोई नहीं मानेगा। वह आदमी किसी भी लोगों से बंद कमरे में नहीं मिलता है उनका। आप आड़ी सुन लीजिए ना बयान, वो कह रहे थे दरवाजा खोल के रूम में रहते थे। अरे भाई वो कमरा खोल के मिलवे करते थे, कभी बंद कमरे में मिले नहीं है। मैं कह रहा हूं मैम, आपका कोई इन्वेस्टिगेशन टीम हो ना, तो 18 जनवरी से अब तक के लगातार उनके सारे बयानों का आप मूल्यांकन करा लीजिए, उसका अध्ययन करा लीजिए। लगातार नित निरंतर उन्होंने अपने बयान को बदला है। अरे भाई जो खुले कमरे में दरवाजा खोल के मिल रहा है वो आपका कैसे भी विचार कर लेगा? इन्होंने जो कृत्य किया है मैम ना, ठीक है आज आप भी नहीं मानेंगी, महिला होने के कारण आपको लगेगा कि भाई ये लोग जो चाहे बोल दें, समय आएगा, समय जब इस तारीख को लिखेगा ना, तो जो लोग ये बामपंथी, ये टूलकिटिये, ये जो भारत विरोधी कृत्य करते हैं, जो हेट मोदी ब्रिगेड के मेंबर हैं, जिनका काम ही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहां मौका मिले वहां लेके लाठी डंडा खड़े हो जाओ, ये वही लोग हैं हर जगह यही कृत्य करते हैं। आप देखिएगा समय लिखेगा, इसीलिए माननीय सांसद जी बराबर कह रहे हैं कि अगर दोषी तो मैं खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मुझे दुनिया का नहीं पता, मुझे अपना पता है। उस आदमी पे आप दुनिया के सब आरोप लगा देती, सब मान लेता, लेकिन यह जो व्यभिचार का आरोप है कता है। अच्छा ये क्या कहे, एक और इनका आरोप था कि शादी के लिए मना करते थे। अरे भाई कुश्ती संघ आपके ऊपर खर्च कर रहा है, भारत के गरीब जनमानस के हक को काट के, मैं नहीं कह रहा हूं हक देना नहीं चाहिए था, उनका काट के किसी व्यवस्था में आपके ऊपर खर्च हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है ना। वो कुश्ती संघ के गार्जियन थे, अभिभावक थे। ठीक है सर, आपने भी बड़े आरोप लगा लिए। अब अनिल मलिक का मैं रुख कर रही हूँ सर। अनिल मलिक जी, नहीं मैम ये आरोप नहीं है, फिर कभी बुलाइएगा जिस दिन रामेश्वर दयाल पानी हो जाएगा। देखिए ना रोज भाग रहे हैं, ये भागेंगे, ये रोज भागते हैं। धाराओं का आरोप नहीं है, 6 बार सांसद बन गया, 40 मुकदमे उसमें है, 302 के, 307 के, 377 के, जितने भी बड़े बड़े मुकदमे हैं, बड़ी बड़ी धाराओं के मुकदमे हैं, ये सब उस अपराधी में है। आज जो है ये बता रहे देश के पैसे से जो बने, अरे देश के पैसे से बृजभूषण के घर में भी सारा का सारा, उन्हें अपना साला भी, लड़का भी, साल लड़के का साला भी, अपना पहनोई भी, सब इसके सब मजे ले रहे इसके इस उस पे, और कौन कितने मेडल लेकर आए हुए सारा मज, अरे मेहनत लाता है भारत के कानून से चलेगा, इससे नहीं चलेगा। और कोई किसी के ऊपर आवे ऐसे आरोप लगा दे उसका करियर रखा जाइए, 6 बार का जो सांसद है उसकी कोई छवि होगी उसका, उसके यहाँ आप इस तरह का आरोप लगा के, ये बेविचार झूठी आरोप लगा के उन हजारों लड़कियों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। अब राष्ट्र और गुंडा व्यक्ति है वो, जितनी उसमें धाराएं हैं उन बेटियों का अपमान कर रहा है। देश चलेगा क्या, अराजकता से देश चलेगा क्या, गुंडागर्दी से चलेगा क्या देश, लाठी से चलेगा क्या देश, देश भारत के संविधान से चलेगा, भारत के कानून व्यवस्था से चलेगा। धर्म का इनकी औरियादत खराब, इनका इलाज होगा और भाई लड़ा इलाज होगा। कल जो है 6 राज्यों के खा पंचायतों की सोरम में पंचायत होगी, मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय होगा उसमें इलाज करा जाएगा। माननीय मोदी इस देश के फिलहाल प्रधानमंत्री है, इस देश के हृदय से स्वागत है, लेकिन ये जो लोग है ना, ये जो अनिल मलिक, ये कौन सी भाषा है, इलाज होगा, ये कौन सी भाषा है सर, कैसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, किसका इलाज करेंगे आप, किसको धमकी दे रहे हैं आप, किसे धमकी दे रहे हैं आप, किसका इलाज करेंगे आप? इलाज होगा संवैधानिक तरीके से, इलाज होगा बृजभूषण का भी इलाज होगा, जो ये लोग ये कह रहे हैं ना, कहने का जो है जिम बीमारी हो जाए। रामेश्वर दयाल, ठीक है मेरे पास वक्त कम है सर, रामेश्वर दयाल मैं आपको भी चुनाव में भी सर मुझे रामेश्वर दयाल का रुख करना है, रामेश्वर दयाल मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये सारी चीजें जब आप सुनते हैं, आप खुद एक पहलवान है, रेसलिंग से आप खुद जुड़े हुए हैं, बहुत करीब से इन चीजों को आपने देखा भी है,
क्या लगता है आपको जो तरीका है इन रेसलर्स का वो सही है? मैडम एकदम सही है, और माननीय राजीव जी अभी जो कह रहे थे सदन जी के पहले से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकार, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा सदन जी, पहले हम अपने खेल को अपने अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी दिनचर्या लगाते हैं। पहलवान आदमी 2-3 टाइम मरता है, आप बैठ के एसी में आप बैठ के हमारे भविष्य का आप फैसला नहीं कर सकते। हम अगर ट्रायल देंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जाएगा ये जाएगा, जो जो ट्रायल में आगे होगा वही जाएगा। और मैं आपसे राजीव जी एक बात और कहना चाहूँ क्लियर क्लियर कि ये इस तरीके की जिस दिन लोकसभा का जो संसद संसद भवन का हो रहा था उद्घाटन, उस समय आप लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर इतना अत्याचार किया पहलवानों को, सिलेक्ट करके लेके जाएंगे, नहीं नहीं स्टेट लेवल पे खिलाएंगे, नेशनल लेवल पे खिलाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं राजीव सिंह जी? पूरा श्रेय आप इस चीज को नहीं दे सकते ना कि हमने इनको आगे किया है जो उस काबिल है इस देश में हर किसी को मौका मिल गया, ये कोई बात होती है सर? नंदनी नगर में गेम हुआ नेशनल, इन्होंने ही रोका मैम। यूपीएससी की परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको आप लेकर आते हैं और आईएएस आईपीएस की उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो जाकर के कहते हैं काबिल ऑफिसर वो बनता है ट्रेनिंग लेने के बाद, तो आप ये कहेंगे उसके पहले वो कितनी मेहनत करता है, उसके पहले वो कितनी मेहनत करता है, वो उसने उसको उस लाइक बनाया तब वो वहां पहुंचा, इस चीज का क्या करके दे रहे हैं? उनको माथे पे थोड़ा नहीं बैठाएंगे, सिर पे बैठा कौन रहा है? लेकिन आप क्रेडिट ऐसे नहीं ले सकते खुद कि हमने इनको स्टेट खिलाया, हमने इनको नेशनल खिलाया, नहीं इस चीज का खंडन मैंने उसी वक्त कर दिया था रमेश्वर दयाल, जिस चीज से आपको तकलीफ हुई समझ सकती हो उस बात को, उस चीज का खंडन मैंने तभी किया था, आपने खुद को उस लायक बनाया तब जाकर के एक मुकाम हासिल किया, और आप लोग देश का सिर गर्व से हमेशा उठा रहा है, ये सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, राजीव जी आपको पूरा मौका दिया, ये शिकायत आप नहीं कर सकते कि मुझे बोलने नहीं दिया, मौका नहीं दिया, पूरा मौका दिया सर, जितना वक्त आपने मांगा उससे ज्यादा दिया था।